भिकनगांव नगर में स्कूलों द्वारा पालकों को धमकियां आए दिन दी जा रही है। कुछ दिन पहले ही सेंट मैरी स्कूल को नोटिस मिलने के बाद अब गुरुकुल जूनियर स्कूल द्वारा पालकों पर फीस का दबाव बनाया जा रहा है। पालकों द्वारा कहा गया कि ना ही कोई ऑनलाइन क्लास ली और ना ही पढ़ाई की, तो फिर फीस पूरे एक साल तक की 2021 अप्रैल तक की फीस क्यों जमा कराई जा रही है। पालकों से गलत रूप से बर्ताव किया गया और स्कूल से नाम काट देने की धमकी दी। पूरी अप्रैल तक की फीस के साथ साथ रजिस्ट्रेशन शुल्क भी जमा करना होगा। अगर बच्चों को आगे पढ़ाना है तो फीस पूरी जमा करो। गुरुकुल जूनियर स्कूल द्वारा पालकों पर दबाव बनाया जा रहा है। भिकनगांव से पीयूष अग्रवाल की रिपोर्ट। रजिस्ट्रेशन का क्या शुल्क? 500 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस ली गई है। जिनने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पढ़ाने के लिए कराया, जैसे मैंने बोला मैं नहीं कराना चाहता हूँ, तो बोले आपका रजिस्ट्रेशन जब होगा जब आप 500 रुपए जमा करोगे। और क्या आगे क्या दबाव डाल रहे स्कूल वाले? फीस जमा करोगे जब भी बच्चा परीक्षा में बैठेगा, जब भी पास होगा, नहीं तो फेल कर दिया जाएगा। अच्छा, कुछ ऑनलाइन कुछ क्लास व्लास ली? नहीं, कोई क्लास नहीं, भी दबाव बनाया जा रहा है। जैसे कि मैं फीस जमा करने गया था, जनवरी तक की मेरी फीस जमा थी मेरी बालिका की। अब मैंने बोला कि सर फरवरी की फीस जमा कर देता हूँ, 2 महीने की फीस और जमा कर दूंगा। तो मुझे ये कहा गया कि आपको पेपर दे दिया जाएगा लेकिन उसको सबमिट नहीं कर पाऊंगा मैं, तो आपको यार मेरे से टाइम मांगा गया कि कब तक जमा करोगे। आपको 15 मार्च तक कि कब तक जमा करूँ मेरे को टाइम बताओ, उस समय मेरे को फीस चाहिए। तो किसी के स्लिप बना के दी? स्लिप मेरे को बना के दी है, मेरे पास है ये इस टाइप की फीस स्लिप बना के दी है। क्या बोला? ये कि भाई 3 महीने की आपकी फीस जो है जब आपको जमा करना पड़ेगी। तो मैंने कहा 1 महीने की, बोले बाकी कब करोगे, कि पीछे फिर तारीख लिखी, बोले इस तारीख तक मेरे को फीस होना। और रजिस्ट्रेशन की? रजिस्ट्रेशन की फीस पहले जमा करवा ली है और उसकी कोई रिसिप्ट दी नहीं है मुझे। मैंने रिसिप्ट मांगी तो बोले कि ये तो वहाँ आगे से OLS एक डाउनलोड, आप ऐप डाउनलोड कर लेना, उस पर क्लासेस चलेगी। उस पर आज तक ना कोई क्लासेस चली, ना कोई वहाँ से वीडियो कंटेंट भेजा गया स्कूल से। सिर्फ एक प्रकार का ये दिया जाता कि इस पेज पे ये वाला लेसन है, ये आपको बच्चों को पढ़ाना है, तो ये तो हम घर भी कर सकते थे कि इस पे किताब ला के इस पेज पे ये लेसन है उसको, तो वो भी हम खोल के दे सकते थे। तो आपने क्या पढ़ाया फिर? वो फीस जो है तो 75% ली जा रही है। बोले 25% आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है ऑनलाइन 500, तो आपको फिर 25% फीस माफ की जा रही है, पर 75% तो आपको देना ही पड़ेगा। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया उनसे पूरे 100% फीस मांगी जा रही है। रजिस्ट्रेशन नहीं करने के, जिन्होंने नहीं करवाया उनसे 100% के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, मेरे पे ना कोई, मैंने ऑनलाइन कुछ भी नहीं कराया, तो बोले 100% फीस देना पड़ेगा। और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया उनसे 75% बोले। क्या नाम लिखते? अतुल अग्रवाल। सर आज पालकगण द्वारा गुरुकुल स्कूल के लिए, जूनियर गुरुकुल स्कूल के लिए ज्ञापन दिया था, क्या मामला है? जूनियर गुरुकुल स्कूल जो है उसके वहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं उनके पालकों के द्वारा आज आवेदन दिया गया है, और उसमें उन्होंने जो है जो संस्था है अशासकीय संस्था उसके ऊपर आरोप लगाए हैं कि उनके द्वारा जो बच्चों को ऑनलाइन कक्षाएँ संचालित करने के नहीं करने के बाद भी जो है फीस दी गई है, ली जा रही है, और उनके ऊपर दबाव दिया जा रहा है। जबकि शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि फीस लेने के लिए पालकों के ऊपर किसी भी प्रकार से कोई दबाव नहीं डाला जाए। सर पालकों का ये भी आरोप है कि इनसे LKG और UKG और फर्स्ट के लिए जो बच्चों को 50% शासन द्वारा जो माफ़ करने के आदेश दिए गए थे, फिर भी उनसे 100% फीस वसूली जा रही है, इसके ऊपर? बिल्कुल बिल्कुल, जो है शासन स्तर से कलेक्टर महोदय के जो एक पत्र जारी हुआ है जिसके अंदर जो प्री प्राइमरी कक्षाएं हैं नर्सरी KG 1 और KG 2 और उनकी फीस जो है 50% तक माफ़ करने का उसमें निर्देश दिए हैं, और उसके बाद भी अगर उनके द्वारा इस प्रकार की जो है फीस ली जा रही है उस छूट के बाद भी, तो वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में इस चीज़ को लाया जाएगा और संबंधित से पूछा जाएगा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है उनके द्वारा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।